चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम। कल आप लोग ने पढ़ा था इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट था, ठीक है। आज हम लोग अभी पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट आपने अभी अच्छे से पढ़ा था कि पार्ट वन, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे अच्छे से वॉच कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपरली सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ नया वाला पार्ट सीखने वाले हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको, उसमें मैंने एकदम पूरा बेसिक से जो भी था सब कुछ समझाया था। इसमें हम लोग अभी सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम लोग प्रॉपरली समझेंगे कि नए नए जो भी फाइलम्स है उसके बारे में क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा, और ये चैप्टर 4 है किंगडम एनिमेलिया का, और ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो कल तक हमने फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग फाइलम नाइडेरिया पढ़ेंगे। इसकी नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी नोट्स है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। तो एक्चुअली ये कुछ ऐसे दिखता है, एनिमल्स ऐसे होते हैं नाइडेरिया के अंदर, ठीक है। अच्छे से हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है इसका। तो आपको सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी, जैसे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है और भी बाकी चीजें जो भी है, इसका सब कुछ हम लोग को अच्छे से देखना होता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये जो हाइड्रा है इसका एग्जाम्पल है प्रॉपर, या फिर ऑरेलिया यानी कि उसको जेली फिश भी बोलते हैं। फिर फाइसेलिया एक वर्ड है जो कि पोर्चुगल यानी कि जो पोर्चुगीज ऐसा यूज करते हैं, मैन ऑफ वॉर के रिलेटेड ऐसा है कुछ, ऐसा हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एडेमसिया है यानी कि सी एनेमोन, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इसका नाम है, मतलब ये सारे ऐसे नाम वाले एनिमल्स ऐसे आते हैं, ठीक है। किसके अंदर? फाइलम नाइडेरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डाइप्लोरिया, ये भी एक है ब्रेन कोरल ऐसा होता है, एक वर्ड होता है। तो उससे ये भी जो एनिमल्स है जो डिप्लोरिया है ये भी फाइलम नाइडेरिया को क्या करता है, रिफर करता है। नेक्स्ट क्या है? जॉर्जोनिया है सी फैन, ऐसा आप लोगों को समझ लो इसका मतलब ये होता है, जॉर्जोनिया का मतलब सी फैन होता है, ठीक है। तो ये भी एक एनिमल का नाम है जो कि फाइलम नाइडेरिया के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। जो फाइलम नाइडेरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे ये सारे के सारे किसे होंगे? एक्वेटिक यानी कि वाटर वाले, यानी कि वाटर में रहेंगे, मोस्टली मरीन भी होंगे, एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर फॉर्म जिसे पोरीफेरा के थे। नेक्स्ट क्या है? दे आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सिसाइल का मतलब क्या होता है? देखो जो नॉर्मली ना कभी भी ऐसा जिसका जो मतलब नीचे का जो पेडिसेल्स होता है जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि ये ना मतलब समझ लो आप लोग ने पढ़ा होगा 10th में हिबिस्कस के प्लांट में, वहां पे कुछ ऐसा एक पेडिसेल्स था, ऐसा कुछ एक पेडिसेल्स था जो कि बेस प्रोवाइड करवाता था, इसको ऐसा कुछ बेस प्रोवाइड कराता था, इसको हम लोग पेडिसेल्स बोलते हैं। तो ये इनमें जिनमें ऐसा एबसेंट होता है उसको हम लोग सेसाइल बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। और ये फ्री स्विमिंग है, मतलब नॉर्मली फ्रीली स्विम करते हैं क्योंकि इनको कोई ऐसा बांध के रखता नहीं है, इसीलिए ये सेसाइल है, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनको सेसाइल भी बोलते हैं। दे शो रेडियल सिमेट्री, देखो रेडियल सिमेट्री आप लोगों ने पढ़ा था 10th में प्रॉपरली, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। आर डिप्लोब्लास्टिक विद ब्लाइंड सैग बॉडी प्लेन, अभी इसके पहले वाले पार्ट वन में ये सब कुछ डिप्लोब्लास्टिक एंड ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान ये सब कुछ अच्छे से पढ़ाया था मैंने, पार्ट वन इसकी जाके वॉच कर लीजिए, आप लोगों को प्रॉपरली समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप इज सिलेंड्रिकल फॉर्म्स, देयर इज हाइड्रा होता है उसको बोलते हैं, हाइड्रा के अंदर होता है ये पॉलिप, एंड मेडुसा इज अम्ब्रेला लाइक ऑरेलिया जेलीफिश, यानी कि जो मेडुसा होता है एक दूसरा बॉडी प्लेन है और एक पॉलिप दूसरा, ये दो टाइप के इसके मतलब बॉडी के कैरेक्टर्स है, जो कि जो मेडुसा होता है वो ऑरेलिया में प्रेजेंट होता है यानी कि जेलीफिश में, और जो पॉलिप है ये हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली इतना आप लोगों को बस याद रखना है, ये कुछ नहीं ऐसा एक तरीका है बस इसको जानने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बॉडी कैविटी यानी कि बॉडी में जो एम्प्टी स्पेस होता है इज मीड फॉर सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन, डाइजेशन के लिए भी यूज होता है और सर्कुलेशन के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? हेंस कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंड्रॉन, सिलेंड्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। गैस्ट्रो मीन्स होता है स्टोमक और वेस्कुलर यानी कि जो बंडल शेप में होता है, ऐसी कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, यानी कि बॉडी कैविटी यही होती है, ठीक है, जैसे अपना स्टोमक है तो वैसे ही कुछ होता है, ठीक है। अब ये देखो जो नाइडेरिया की जितने भी फाइलम है इसके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं सबके सब एक प्रोसेस होता है जिसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, उसका नाम है मेटाजेनेसिस। एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स को पूछता है व्हाट इज मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो जेनेसिस मीन्स कुछ क्रिएट करना होता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। मेटाजेनेसिस यानी कि कुछ तो वर्ड है इसको हम लोग समझते हैं, जैसे जो जेनेसिस है इसका मीनिंग क्रिएट करना होता है। नाउ नाइडेरियंस यानी कि जो नाइडेरिया फाइलम को फॉलो करते हैं जो प्लांट्स, रिप्रोड्यूसेस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ठीक है। सेक्सुअली का मतलब क्या होता है? बाय पेरेंटल, क्या होता है इसका मतलब? बाय पेरेंटल होता है, और जो असेक्सुअल होता है इसका मतलब यूनिपेरेंटल यानी कि एक ही क्या रहेगा, पेरेंट्स रहेगा। नेक्स्ट क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग एंड रीजनरेशन, जो नाइडेरिया में होते हैं जितने भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं ये इनके अंदर बडिंग होती है, और दूसरा क्या होता है? रीजनरेशन होता है, ठीक है। रीजनरेशन प्लेनेरिया भी शो करता था आपको पता है, और बडिंग हाइड्रा शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमेट फॉर्मेशन, तो सबको पता है। नेक्स्ट, दे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ पॉलीपॉइड जनरेशन, देखो ये पॉलीपॉइड क्या होता है? नेक्स्ट, ऐसा कुछ नहीं बहुत सारे एक ही बार में मतलब कुछ जनरेट करना, पॉली मीन्स मेनी होता है, पॉइड मीन्स टू क्रिएट, ऐसा कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो पॉलीपॉइड जनरेशन,
ऐसा बहुत सारे दिखाते हैं, अल्टरनेशन दिखाता है विद म्यूडोसॉइड जनरेशन। अब म्यूडोसॉइड कहाँ पे आता है, ये ऑरेलिया यानी कि जेली फिश में म्यूडोसा जो प्रेजेंट होता है, तो ये म्यूडोसॉइड जनरेशन भी शो करता है। और जो पॉलिप जनरेशन दिखाते हैं यानी कि जो हाइड्रा होते हैं उनको हम लोग पॉलीपॉइड जनरेशन बोलते हैं। ये म्यूडोसा और जो पॉलीपॉइड यानी कि म्यूडोसॉइड और पॉलीपॉइड ये अल्टरनेटिवली होते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ पॉलीपॉइड जनरेशन एंड म्यूडोसॉइड जनरेशन। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में, वहां पर फिलहाल हम लोगों ने सेप्रोफाइटिक प्लांट और जो हमारा गैमेट फॉर्मेशन वाला प्लांट था उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। जो ये क्या होता है, पॉलीपॉइड और जो मेडुसॉइड इन दोनों में जो अल्टरनेशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज पॉली प्रोड्यूसेस मेडुसास असेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूसेस पॉली सेक्सुअली। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इतना ही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये नाइडेरिया में, नाइडेरिया ही मेटाजेनेसिस शो करता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले फाइलम को जिसका नाम है सेटनोफोरा। ठीक है, तो ये सेटनोफोरा क्या होता है इसको हम लोग प्रॉपरली अच्छे से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेटनोफोरा। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट। देखो सी वॉलनट जैसे ही दिखते हैं और ये फिर इनको हम लोग कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। आप लोग को इसको ऐसे नाम रेफर करना है सेटनोफोरा। ठीक है, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मरीन में होते हैं और फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, बॉडीज डिप्लोब्लास्टिक होती है, रेडियल सिमेट्रिकल होती है विद ब्लाइंड सैग बॉडी प्लेन। ये नेक्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। एनिमल्स हैव टिश्यूज लेवल ऑर्गेनाइजेशन और जो लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स क्या होता है, मूव करना। तो लोकोमोशन इज कैरिड आउट बाय 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। सिलिएटेड मीन्स क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो जिसको ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कॉम्ब प्लेट्स ऐसा कॉम्ब की जो प्लेट्स होती है वैसा, जैसे यहाँ पे देखो ये कुछ प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ प्लेट्स लाइक ऐसा सिलिएटेड प्लेट्स दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फीचर्स ऑफ सिटनोफोर्स इज बायोलुमिनेसेंस। देखो ये बायोलुमिनेसेंस क्या होता है, मींस ये लाइट को इमिट करना, यानी कि नेचुरली लाइट्स को इमिट करना ही बायोलुमिनेसेंस होता है, यानी कि लाइट्स बाहर इमिट करता है। ठीक है, लाइक नाइडेरियंस, नाइडेरियंस भी नॉर्मली लाइट क्या करते हैं, इमिट करते हैं अपनी बॉडी से, यानी कि चमकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिटनोफोर्स ऑल्सो एग्जिबिट एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशंस। इंट्रा मीन्स क्या होता है, विदिन मतलब किसी भी बॉडी के अंदर, और इंटर बोला तो आउटसाइड, जैसे कि इंटर कॉलेज और इंट्रा कॉलेज, इंट्रा बोला तो मतलब विदिन कॉलेज, ऐसा होता है इंट्रा। ठीक है, और अगर इंटर वर्ड यूज किया तो इंटर वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब पूरा ऐसा पूरा एरिया पकड़ के, ऐसा पूरा समझ लो इंटर स्टेट बोला तो दो स्टेट्स में मिला के, और लेकिन इंट्रा स्टेट बोला तो अंदर स्टेट के अंदर ही, ऐसा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इसके अंदर भी होता है, सेटनोफोरा के अंदर भी। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और जो साइनोडोब्लास्ट आर अब्सेंट, हेंस दीज आर कॉल्ड एक्निडीरियंस, ऐसा हम लोग बोलते हैं। देखो साइनोडोब्लास्ट क्या होता है, एक ऐसा जो नाइडेरिया है उसके अंदर एक ऑर्गन्स होता है, ऐसे सिटनोफेरा है और जो नाइडेरियंस जो एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं इनके अंदर एक साइनोडोब्लास्ट नाम का एक ऑर्गन्स होता है जो कि अब्सेंट है, फिलहाल सिटनोफोरा के अंदर अब्सेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्निडेरियंस भी ऐसे वालों को बोलते हैं। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि एक्निडेरियंस क्या होता है, तो बोल देना कि जो साइनोडोब्लास्ट होता है ये अब्सेंट होता है सिटनोफोरा के अंदर, तो ये एमसीक्यू पॉइंट भी बन सकता है, प्रॉपरली आपको याद रखना है। तो ये देखो यहाँ पे एक मतलब जो भी यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है सोलोब्लास्ट या फिर कोलोब्लास्ट, आप जो भी रिपीट कर दो इसको कर सकते हो, तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। प्रॉपरली आप लोग इसको एग्जाम में एक बना देना या फिर आप लिखो इसको भी बना दो। देखो यहाँ पे जो सिलिएटेड बॉडी है ये फ्लैजिला, यानी कि जो सिलिएटेड बॉडी है ये इसको हम लोग सिलिएटेड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये स्पाइरल शेप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेडिएटिंग फाइबर्स। देखो जो बायोलुमिनेसेंट होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ से लाइट को इमिट करती है, तो ये रेडिएटेड बॉडी है, रेडिएशन को इमिट करते हैं नॉर्मली। फिर यहाँ सेक्रेटरी एडहेसिव ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा छोटे छोटे पॉइंट्स में ऐसा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये शो करता है सेक्रेटरी एडहेसिव ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे गैमेट्स जैसे ग्रेन्यूल्स जो कि नॉर्मली कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ गया होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं प्लैटी हेलमिंथस प्रॉपरली, इसके बारे में हम लोग समझेंगे प्लैटी हेलमिंथस फाइलम के बारे में। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट फाइलम है। देखो वर्ड को अभी हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके हम लोग इसके मीनिंग को प्रॉपरली समझ जाएंगे। तो प्लैटी हेलमिंथस इसका मीनिंग क्या होता है, प्लैटी मीन्स क्या होता है, फ्लैट होता है, हेलमिंथस मीन्स क्या होता है, वर्म यानी कि कोई भी कीड़ा, ऐसा हेलमिंथस यानी कि एक फ्लैट रहने वाला कीड़ा, यानी कि ऐसा वर्म जो फ्लैट होता है जिसे प्लेनेरिया था वैसा। ठीक है कुछ, चलो तो ये भी क्या करेगा, प्लेनेरिया 10th में पढ़ा था हम लोग ने कि ये रीजनरेशन शो करता है यानी कि असेक्सुअल रिप्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये तो हम लोग को कुछ कुछ पता ही चल गया। एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया पहले ही आ गया, फिर टीनिया है, देखो इसको हम लोग टैप वर्म भी बोलते हैं, ये टीनिया से नॉर्मली जो मतलब अपना रिंग वर्म वगैरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेसियोला जो कि लीवर फ्लूक भी जिसको हम लोग बोलते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। देखो बॉडी के जो पोस्चर्स होते हैं, एक होता है वेंट्रल, ठीक है, एक कैसा होता है वेंट्रल होता है और एक होता है डॉर्सल। ठीक है,
तो जो डॉर्सल मतलब क्या होता है, डॉर्सल और वेंट्रल, वेंट्रल मतलब क्या होता है फ्रंट में, ठीक है, क्या होता है फ्रंट, वेंट्रल मतलब फ्रंट, और डॉर्सल मतलब क्या होता है बैक होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला डॉर्सो वेंट्रल मतलब दोनों एक साथ मिक्स, जैसे कि प्लेनेरिया अभी एक पेपर है तो उसको क्या आप फ्रंट और बैक क्या बताओगे, इसलिए वो डॉर्सो वेंट्रल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हेंस आर कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि जो फ्लैट होते हैं फ्लैटी हेलमिंथस, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स आर एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या ट्रिपल लेयर ऐसी रहेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट्स भी, सुडोसिलोमेट्स भी, आप लोगों ने ये सब कुछ टेंथ में अच्छे से पढ़ा था, असिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, शोविंग ऑर्गन सिस्टम्स ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे अभी तक बॉडी प्लेन दिखा रहे थे, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान, ये क्या दिखाता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टिश्यूज के ऑर्गन के बेसिस पे ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, मोस्टली इंडो पैरासाइटिक एंड फ्यू आर फ्री लिविंग। इंडो पैरासाइटिक मतलब क्या होता है, इंडो मीन्स अंदर और पैरासाइटिक मीन्स जहां पे रहते हैं, पैरासाइट होस्टिंग जहां पे करते हैं, मतलब जहां से इनको खाना पानी सब कुछ मिलता है, तो इंडो पैरासाइटिक यानी कि अंदर ही रहते हैं, बाहर कैसा मतलब ये हवा में घूमते नहीं है, किसी न किसी बॉडी के अंदर ही हमेशा रहेंगे और उसको बीमारी पहुंचाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होता है पैरासाइटिक फॉर्म्स शोज प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ होस्ट, इनके अंदर दो टाइप के ऐसा बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं सकर्स और हुक, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर अटैच रहते हैं किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर, जिसके अंदर मतलब इनको जहां से खाना मिलता है। बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल इन पैरासाइट्स, क्यूटिकल क्या होता है नॉर्मली एक ऐसा कुछ ऐसा पकड़ने जैसा एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, क्यूटिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऐसा हुक जैसे होता है क्यूटिकल्स इन पैरासाइट्स के अंदर होता है। पैरासाइट मतलब क्या, वायरस है, वर्म्स है, कीड़ा है, ऐसे सबको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। जैसे मॉस्किटो के अंदर जो भी वायरस होता है यानी कि जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं उनको हम लोग पैरासाइट्स रिफर करते हैं। पैरासाइट्स मीन्स क्या होता है, जो दूसरे जगह से किसी दूसरे के अंदर आते हैं उसको पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है, इनवेडिंग लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, सिलिया क्या होता है, इन फ्री लिविंग फॉर्म्स के फॉर्म में सिलिया भी होती है। नेक्स्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स इज जनरली अब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म्स बट इन फ्री लिविंग फॉर्म्स इट इज अ इनकम्प्लीट ब्लाइंड सैक प्लान, ये इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट यानी कि इसीलिए ये सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। एनिमल्स है फ्लेम सेल्स और प्रोटोनिफेरिडिया, ऐसा हम लोग इसको रीड करते हैं, तो फ्लेम सेल्स को ही हम लोग यही बोलते हैं प्रोटोनिफेरिडिया, ऐसा हम लोग रीड करते हैं इसको, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना है, और मतलब यही फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है। हेल्पफुल फॉर एक्सरीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि जो ये फ्लेम सेल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं एक्सरीशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, और ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि जो किडनी वगैरह जो हमारा काम करती है उसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, तो उस काम में भी ये फ्लेम सेल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट यानी कि बायसेक्सुअल, देखो एकदम साइंटिफिक वर्ड आपको मिल गया है हर्माफ्रोडाइट, जिसको हम लोग बायसेक्सुअल बोलते हैं, यानी कि सेक्सुअली या बायसेक्सुअल बोला तो क्या एक साथ दो दो मतलब ऐसा सेक्स करते हैं, तो इसको हम लोग बायसेक्सुअल बोलते हैं, एनिमल्स ऐसे होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन यानी कि खुद से ही ये फर्टिलाइज होते हैं, खुद से ही, अभी समझ लो अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्लेनेरिया है, ऐसा एक प्लेनेरिया मैं आपके हमने यहाँ पे ऐसा बना देता कुछ भी, ठीक है, ये प्लेनेरिया है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से कट करोगे तो ये दो बॉडी यहाँ पे एक आएगी एक यहाँ पे आएगी, तो ये जो बॉडी आएगी इसके भी ऊपर एक दूसरा प्लेनेरिया बन जाएगा, और जो यहाँ से हाफ बॉडी तो इसके भी नीचे एक दूसरा प्लेनेरिया बन जाएगा, यानी कि खुद से ही ये डिवाइड होकर दो दो बॉडी ऐसा क्रिएट कर दिया, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, तो यही सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसके अंदर सीन यानी कि दिखता है। नेक्स्ट क्या है, फ्यू हैव पावर ऑफ रीजनरेशन एंड शो पॉली एम्ब्रायोनी, देखो पॉली एम्ब्रायोनी वही होता है यानी कि एक ही एनिमल से, पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रायो मीन्स कुछ एम्ब्रायो जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रायो क्रिएट होता है और उससे बॉडी बनती है, तो पॉली एम्ब्रायोनी को भी शो करता है ये प्लेनेरिया, जिससे रीजनरेशन होता है, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कौन शो करता है, प्लेटी हेलमिंथस सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है, और इनके अंदर सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एक्सग्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास फ्लेम सेल होते हैं, ठीक है, और ये पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं और एक टाइप की ये वॉर्म्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी हम लोग एस्केलमिंथस के बारे में, ठीक है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं, ये राउंड वॉर्म्स होते हैं एक्चुअली। चलो एस्केलमिंथस वर्ड को ब्रेक करते हैं, जो एस्केलमिंथस में एसके है ये एस्कस वर्ड से बना जिसका मीनिंग सैक होता है, यानी कि एम्प्टी स्पेस लाइक स्ट्रक्चर जो कि अंदर से जिसमें होल होता है, और हेलमिंथ मींस होता है वॉर्म, ठीक है, इसको हम लोग नेमाथ हेलमिंथस भी बोलते हैं, यानी कि नेमाथ्रेड या फिर नेमाटोड्स भी हम लोग कभी कभी इसको ऐसा रिफर करते हैं, ठीक है। तो एस्केलमिंथस मतलब क्या होता है, देखो जो नॉर्मली हेलमिंथ मतलब होता है उसका मतलब वर्म, और एस्कस मींस होता है सैक यानी कि कुछ ऐसा अंदर से खुला हुआ ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो एस्केरिस जो होता है एग्जाम्पल है इसका एस्केरिस, ठीक है, तो ये एस्केरिस क्या होता है, ये एक इसका प्रॉपर एग्जांपल है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी भी ऐसा नॉर्मली स्टूल जो निकलता है, स्टूल मतलब बाथरूम के टाइम पे, वहां से जो भी कीड़े वगैरह होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एस्केरिस, ठीक है। तो वही ये राउंड वर्म्स होते हैं, ये वुकरेरिया भी हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं, जो वुकरेरिया होता है ये फिलारियल वर्म होता है, फिलारियल यानी गंदगी से जहां से फैलता है इसको हम फिलारियल वर्म्स बोलते हैं, एंक्लोस्टोमा या फिर हुक वर्म भी हम लोग इसको कभी कभी रेफर करते हैं, ये नाम है, सारे एग्जांपल्स हैं।
दी आपको सिर्फ एस्केरिस याद रखना है। एस्केरिस एक ऐसा मतलब ये नॉर्मली होता है जिसके एस्केरियासिस एक बीमारी होती है, ठीक है, यही एस्केरियासिस है जिससे वो वर्म्स स्टूल के अंदर वर्म्स प्रेजेंट हो रहते हैं, मतलब बहुत सारे वर्म्स आ जाते हैं, व्हाइट इन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको ये एस्केरिस इसी कीड़े की वजह से होते हैं। दीज आर मोस्टली पैरासाइटिक, फ्यू फॉर्म्स आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नॉर्मली कैसे भी रहते हैं ये लोग। बॉडी इज लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल, अब चलो राउंड वर्म है तो सिलिंड्रिकल बॉडी ही रहेगी, थ्रेड लाइक रहेंगे, ठीक है, एक मतलब से धागे की तरह होते हैं ये। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, अगर कट करोगे तो सर्कुलर ऐसा क्रॉस ऐसा सर्कुलर दिखेंगे, अगर समझ लो ऐसा ऐसा यहाँ पे और इसको कट करोगे तो क्रॉस दिखेंगे, हैंस आर कॉल्ड राउंड वर्म्स, इसीलिए इनको राउंड वर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सिलिंड्रिकल होते हैं और थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है इसलिए। नेक्स्ट क्या है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरली, बायलैटरली का मतलब क्या होता है, दो दो साइड से, यानी कि ये इनका माउथ साइड है और ये इनका एनस साइड है, दोनों साइड से ये कुछ भी काम कर सकते हैं, यानी कि बायलैटरल होते हैं, कैसे भी चल सकते हैं लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सब के सब, अब तक जितने भी फाइलम मिले सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है। और नॉर्मली जो हमारा पॉरीफेरा था वो सबके साथ था डिप्लोब्लास्टिक वगैरह। नेक्स्ट क्या, ये सिमेट्रिकल है, और देखो क्या है, सुडोसिलोमेट, सुडोसिलोमेट मतलब क्या, फॉल्स एम्प्टी स्पेस, सुडोसिलोमेट होते हैं विद ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन, देखो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन को शो करता है, इसके पहले के सारे कौन सा शो कर रहे थे, तो जो भी था ब्लाइंड सेक था और ग्रेट जनरेशन था। अभी आगे पढ़ते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय टफ एंड रेजिस्टेंट क्यूटिकल, क्यूटिकल यानी कि एक लेयर नॉर्मल सा, ये इससे क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। बॉडी वॉल हैज लॉन्जिट्यूडनल मसल्स बट नो सर्कुलर मसल्स, इनको सर्कुलर मसल्स नहीं होती है जबकि लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होती है, यानी कि लंबी ऐसी कुछ मसल्स होती है, इनको ऐसा सर्कुलर मसल्स नहीं होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद माउथ एंड एनस एट अपोजिट एंड्स, एक दूसरे के अपोजिट है माउथ और एनस होता है और इसी से एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कंप्लीट होती है। फेरिंग्स इज वेल डेवलप्ड एंड मस्कुलर, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स जिससे नॉर्मली नेक के यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है फेरिंग्स, ये वेल डेवलप्ड होता है एंड मस्कुलर यानी कि मसल्स भी प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय कैनाल्स और ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड सेल्स होते हैं नॉर्मली जो भी जिनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उनके सेल्स को ग्लैंड सेल्स बोलते हैं और ये जो एक्सक्रीशन होता है ये ग्लैंड सेल्स से होता है। एक्सिटरी प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड थ्रू एक्सिटरी पोर, यानी कि हम जैसे हमारे अंदर एक्सिटरी सिस्टम लाइक एनएस वगैरह है, ठीक है, एनएस एंड पेनिस, वैसे इनके पास क्या है, एक्सिटरी पोर यानी कि होल ऐसा होता है, एक्सिटरी पोर होता है जिससे ये लोग एक्सिटेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम्स हैज नर्व रिंग एंड नर्व्स, एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, इसके पहले वाला क्या था, बायसेक्सुअल, ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। एनिमल्स लाइक एस्केरी शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर होता है, डायमंड्स डबल होता है, यानी कि डायमॉर्फिज्म दो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स को सेक्सुअली शो करता है, कौन, एस्केरिस, ठीक है। यूजुअली फीमेल इज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर एंड हैव स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड, देखो जो इनमें जो फीमेल्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा लॉन्गर होते हैं और इनका जो स्ट्रेट पोस्टीरियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेल इज अ शॉर्टर एंड नैरोवर एंड हैज कर्व्ड पोस्टीरियर एंड एंड विद अ पेयर ऑफ अ पेनियल साइटे फॉर अ कॉपुलेशन, जो देखो पेनियल साइटे होता है यानी कि पेनिस वाला रीजन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि जब ये लोग मेटिंग करते हैं उस टाइम पे जो पेनियल साइटे होता है इनका एक जो एकदम पेयर में आ जाते हैं। एंड नरोवर यानी कि जो बहुत छोटा हो जाता है जो मेल है, ये जो इनका मतलब पूरा बॉडी होती है मेल जो शॉर्टर होती है और नरोवर यानी कि बहुत ही पतली होती है। एंड हैज अ कर्व्ड पोस्टीरियर यानी कि जो ऐसा कर्व लाइक ऐसा कुछ कर्व लाइक इनका पोस्टीरियर होता है पूरा बॉडी का, ठीक है। और ये जो कॉपुलेशन के टाइम पे पेनियल साइटेस होता है ये पेयर में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ये इंटरनली बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मे और मे नॉट इंक्लूड लार्वल स्टेज, जिसने को पोरीफेरा लार्वल स्टेज को क्या करता था, कंटेन करता था, ये लार्वल स्टेज को कंटेन कर भी सकते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे और नहीं भी कर सकते। देखो अभी जब कॉपुलेशन हो गया तो अभी डेवलपमेंट भी होगा, अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट के टाइम पे छोटे छोटे जो भी बेबीज क्रिएट होंगे तो ये लार्वल स्टेज से जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो ये था एस्केल्मिंथस जिसके अंदर एस्केरियासिस होता है, ये बीमारी है और एस्केरिस एक जो भी वर्म्स है उसकी वजह से होती है। ये सारे के सारे जो भी वुकर एरिया भी इसका अच्छा खासा एग्जांपल है, इसको हम लोग फिलारियल वर्म्स बोलते हैं। इन्हें मेल और फीमेल दो टाइप से होते हैं, जो फीमेल्स का साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है और जो मेल्स का साइज है पूरी बॉडी का वो बहुत ही छोटा होता है, इतना आप लोगों को बस याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब एस्केल्मिंथस जो हमेशा एग्जाम में आता भी है, तो इसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, अभी एनिलिडा के बारे में हम लोग देखते हैं। एनिलिडा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे एनिमल्स को नॉर्मली आपने कभी कभी देखा भी होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थ्रोपोडा वगैरह, ठीक है। देखो एनुलस, इस वर्ड का मीनिंग होता है रिंग, ठीक है। एनुलस का मीनिंग होता है रिंग होता है, ठीक है। उसी वर्ड से ये बना है एनिलिडा,
क्योंकि जितने भी एनिमल्स रिंग लाइक होते हैं ये सब एनिलिडा फाइलम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं अच्छे से। एग्जांपल होता है इसका नेरिस, ऐसा एग्जांपल होता है, याद रखना आपको, या फिर फेरेटिमा, आपको ये भी एग्जांपल प्रॉपर अच्छा है, याद कर सकते हो फेरेटिमा, जिसको हम लोग अर्थवर्म भी बोलते हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम लोग अर्थवर्म बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका फेरेटिमा, ठीक है। हिरुडिनेरिया भी इसको हम लोग कभी कभी रिफर करते हैं, जिसका नाम है लीच, आपको लीच पता होगा, लेकिन इसको हम लोग हिरुडिनेरिया भी बोलते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड रिंग वर्म्स और सेगमेंटेड वर्म्स। आप लोगों ने जब अर्थवर्म को देखा होगा तो कैसी उसकी बॉडी ऐसे सेगमेंटेड होती है, पूरी की पूरी बॉडी ऐसे सेगमेंट लाइक उसके अंदर बॉडी में सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसकी जो बॉडी होती है ऐसे सेगमेंटेड होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड बॉडी वाला रिंगवर्म भी हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं। एनिमल्स में भी एक्वेटिक यानी कि पानी में भी रह सकते हैं, एंड फ्यू में भी एक्टोपैरासाइटिक्स, यानी कि एक्टो मीन्स क्या होता है, बाहर होता है, पैरासाइटिक मीन्स रहना, यानी कि बाहर भी ऐसे जमीन में भी रह सकते हैं, और फ्री लिविंग और बरोविंग इन अ मॉइस्ट सॉइल, यानी कि मॉइस्ट सॉइल के अंदर घुस के भी रहते हैं। दे शो बायलैटरल यानी कि दो सिमेट्री विद मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटा मीन्स क्या होता है, ऐसा मल्टीप्लाइंग, ऐसा बहुत नंबर्स में, और मेरिक मीन्स स्ट्रक्चर होता है, तो मेटामेरिक यानी सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यानी कि जो सेगमेंट होगा ये सेम सेम शो करते हैं, मेटामेरिक स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। नेक्स्ट का स्पेशियल रीजन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड क्लाइटेलम, ऐसा हम लोग इसको पढ़ते हैं क्लाइटेलम, इनके अंदर एक प्रॉपर स्पेशल टाइप की बॉडी होती है जिसको हम लोग क्लाइटेलम बोलते हैं, यहाँ पे देखो बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इज अ प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, इनके अंदर लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके हेल्प से ये लोकोमोट कर सकते हैं, यानी कि मोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होता है लाइक साइट, यानी कि अर्थवर्म्स भी हम लोग इसको बोलते हैं, और या फिर पैरापोडिया, पैरापोडिया मींस, पोडिया मींस क्या होता है, लेग्स होते हैं, पैरा मींस बहुत सारे, और बाहर जो लेग्स बाहर प्रेजेंट होते हैं, समझ जैसे तो यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखो इनको लेग्स जो प्रेजेंट है वो बाहर प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर भी ये लेग्स बाहर प्रेजेंट है, तो ये पैरापोडिया होते हैं, जिनके निरिस ये एग्जांपल है, और सकर यानी कि लीच ये भी एक अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है, आर प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल्स इज कंप्लीट, इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कंप्लीट होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू दी बॉडी वॉल, बॉडी वॉल से ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो इज ऑफ क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीशंस एंड ऑस्मोरेगुलेशंस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडिया, इनके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नेफ्रिडिया, इसके थ्रू इनके अंदर एक्सक्रीशंस और ऑस्मोरेगुलेशंस होता है। नेक्स्ट क्या है, नर्वस सिस्टम की बात करें अगर, तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स रिंग्स एंड वेंट्रल नर्व्स कॉर्ड, ठीक है, इसका ये नर्वस सिस्टम के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं। नर्व कॉर्ड जो होती है इज वेंट्रल सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड, देखो अपने नर्वस सिस्टम में गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, तो गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो यही इनकी भी जो बॉडी होती है ये गैंग्लियोनेटेड होती है, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये बॉडी जो होती है गैंग्लियोनेटेड होती है, ठीक है। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स एंड फ्यू आर डायोसियस निरीस, देखो डायोसियस इसी वर्ड का नाम है, निरीस भी इसको बोलते हैं हम लोग, और हर्माफ्रोडाइट अभी हमने पढ़ा बायसेक्सुअल थे, ये एकदम ऐसा हार्ड वाला इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, यानी कि साइंटिफिक वर्ड है हर्माफ्रोडाइट, यानी कि ये क्या होता है, ये नॉर्मली बायसेक्सुअल्स को शो करता है, यानी कि बायसेक्सुअल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, इतना आप लोग को अच्छे से याद रखना है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में, ठीक है, तो ये जो ऑर्थ्रोपोडा होता है इसको हम लोग अभी इससे समझेंगे, बहुत इजी है और यहाँ से एग्जाम में हमेशा आता भी है, ठीक है। अभी ये क्या था, एनिलिडा था, एनिलिडा ये नॉर्मली रिंगवर्म्स होते हैं, अर्थवर्म्स भी रिफर करते हैं जिनको सेगमेंटेड बॉडी होती है, और हर्माफ्रोडाइट यानी कि ये बायसेक्सुअली होते हैं, और जो इनके अंदर लोकोमोशन होता है ये नॉर्मली जो साइटे की वजह से होता है, पैरापोडिया, इनके अंदर बहुत सारे पैर भी प्रेजेंट होते हैं, इसके थ्रू भी इनके लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला एनिलिडा। एनिलिडा में हमने कॉकरोच वगैरह देखा होगा, ये बेस्ट एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा का, ये मतलब जो कॉकरोच है बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। चलो इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं जो आर्थ्रोपोडा है, तो आर्थ्रोस मींस क्या होता है, ज्वाइंट, आर्थ्रोस मींस क्या होता है, ज्वाइंट, एंड पोडोस यानी कि पोड़ा, बार बार हम लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं पोड़ा, ये पोडोस वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है लेग, ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोडा, पोड़ा मींस क्या होता है, लेग होता है, और आर्थ्रो मींस क्या होता है, ज्वाइंट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कॉकरोच है जिसको लेग्स तो होते हैं पर ज्वाइंट होते हैं, और बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, मिलीपेड है, एंड प्रॉन है, इन सबको क्या, जिससे देखो यहाँ पे ये बहुत सारे इसके क्या है, यहाँ पे देखो लेग्स दिया हुआ है, तो कैसे ये ज्वाइंटेड है, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे, तो ये जो लेग्स है देखो यहाँ पे इसका ज्वाइंट है, ऐसे यहाँ पे इसका ज्वाइंट है, तो इनके लेग्स के अंदर क्या होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यही ये जितने भी एनिमल्स ऐसे होते हैं सबके सब फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। दिस इज अ लार्जेस्ट फाइलम, बहुत ही ज्यादा बड़ा फाइलम है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे एनिमल्स को बहुत ज्यादा देखते हैं कुछ, ठीक है।
और ये जो किंगडम एनिमिला के अंदर सबसे बड़ा जो फाइलम है ये ही होता है जो किंगडम आर्थ्रोपोडा है, मतलब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसको प्रॉपरली एग्जाम में पढ़ के जाना पड़ता है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दीज एनिमल्स हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, हेंस द नेम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मींस क्या होता है, ज्वाइंट, पोडा मींस क्या होता है, लेग्स। आपको इसी वर्ड से याद रखना है, यानी कि ज्वाइंट लेग वाले एनिमल्स आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। ठीक है, अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली जो प्रेजेंट होते हैं ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहर ऐसा मतलब बहुत सारे लेग्स प्रेजेंट होते हैं। These are omnipresent and solitary or colonial, एक साथ रहते हैं और बहुत ही solitary मतलब इनकी बहुत ही solid variety है, colony है। Omnipresent मतलब ये पूरे दुनिया भर में हर जगह present है। Most of them are free living and barnacles are sedentary, यानी कि ये free living होते हैं और इनके अंदर एक barnacles जो होता है मतलब organ से, ये कैसा होता है, sedentary, यानी कि normally जो earth के अंदर रहते हैं, earth में भी ये होते हैं, दोनों से मिलके रह सकते हैं। ठीक है, sedentary होते हैं। Few are parasitic, यानी कि parasite means क्या, दूसरे के ऊपर depend होने वाले। And sanguivorous, female mosquito bed bug को हम लोग सेंगुओरस भी बोलते हैं, यानी कि फीमेल मॉस्किटोज, जिसे एनिफिलस थी। ठीक है, तो वैसे हम लोग इसको मॉस्किटो भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे जो इसकी बॉडीज होती है, तो देयर बॉडीज बायलेटरल, बायलेटरल मतलब क्या, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों होती है सिमेट्री के फॉर्म में। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनके अंदर जो लेयर्स होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि ट्रिपल ट्रिपल लेयर्स होती है। और यूसिलोमेट्स एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है विद ट्यूब। मेटामेरिकली बोला तो क्या, मेटा मींस एक सेम सेम स्ट्रक्चर्स और मेरिकली मींस उसका फॉर्म्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स है, मेटा मींस बहुत सारे ऐसा, जिसे पॉली मतलब होता है। ठीक है, तो वैसा ही इसका मतलब भी होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड विद ट्यूब। देखो, अगर समझ लो कॉकरोच को अगर आप लोग उल्टा करते हो तो इसके अंदर की कुछ ऐसी बॉडी जो होती है, इसके ऐसा कुछ बॉडी रहेगी। तो यहाँ पे देखो सर, कुछ ऐसे सेगमेंट जैसा रहेगा यहाँ पे सेगमेंट, तो यही मेटामेरिकल, यानी कि सेम सेम सेगमेंट होंगे। बट ये कह रहे हैं ऐसे, देखो ये पहला सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट हो गया, तीसरा सेगमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, और इनके अंदर भी जो सिस्टम का लेवल वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये बॉडी प्लेन, यानी कि जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन दिखाते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी शो करता है। नेक्स्ट क्या है, बॉडीज कवर्ड बाय टफ टफ नॉन लिविंग चिटिनियस एक्सोस्केलेटन से ही ये होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब क्या होता है, स्केलेटन, बट एक्सो, एक्सो मीन्स आउट होता है, स्केलेटन मीन्स क्या होती है, जो भी मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर है, ढांचा। ठीक है, तो ये चिटिनियस यानी कि एक लेयर टाइप की, जिसको आप लोग लेयर निकाल, जैसे कि हम लोग ऐसा स्नेक होता है ना, स्नेक, स्नेक की जो हम लोग लेयर बाहर निकलती है, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा स्नेक की व्हाइट इन कलर की जो लेयर होती है, ऐसी लेयर को हम लोग चिटिनियस लेयर बोलते हैं। तो ये नॉन लिविंग होती है, इसमें कोई लाइफ होती नहीं है, ऐसी लेयर से कवर्ड होते हैं। हेंस दे नीड पीरियोडिक मॉल्टिंग, यानी कि जो मॉल्टिंग होती है, यानी कि हमेशा बाहर जो ये है, जैसे स्नेक है, तो आपने जो बाहर का उनका स्ट्रक्चर व्हाइट इन स्ट्रक्चर देखा होगा, जो लेयर होती है, तो ये मॉल्टिंग होता है, यानी कि वो हर हमेशा पर मंथली या फिर बाय मंथली, फाइव मंथ, सिक्स मंथ, वन ईयर में ऐसा मॉल्टिंग करते हैं, यानी कि अपने अंदर की उस बाहर की लेयर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मोल्टिंग बोलते हैं। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये तीन पार्ट्स में इनकी बॉडी नॉर्मली क्या होती है, डिवाइड होती है, बस इतना आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो, तो ये क्या था, फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं, लोकोमोशन जो होता है इनके अंदर लेग्स की वजह से होता है, और जो लेग्स होती है ज्वाइंट होते हैं, और ये सबसे बड़ा फाइलम होता है किंगडम एनिमिला के अंदर, और ये पैरासाइट और सेंगुवोरस भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और यूसिलोमेट भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है। ठीक है, इतना आप लोग को नॉर्मली याद रखना है, और सेगमेंटेड बॉडी के साथ साथ जो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। चलो लास्ट वाला पढ़ते हैं अभी हम लोग, जो हमारा फाइलम मॉलस्का है। ठीक है, तो फाइलम मॉलस्का के बारे में अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है, अच्छे से इसका मीनिंग समझते हैं, मॉलस्का। ठीक है, वर्ड एक ऐसा लैटिन वर्ड होता है मॉलिस, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, यानी कि ऐसा मुलायम टाइप का। ठीक है, सॉफ्ट होता है। चलो, तो ये क्या होता है, एग्जांपल से पाइला है, फिर ऐसा बायवेल्स है, ऑक्टोपस है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल आपको याद भी रहेगा, ऑक्टोपस इसका एग्जांपल याद रखिए, बाकी तो सब ठीक है, जो भी आपको रीड करने कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, दिस इज अ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमिला के अंदर जो भी आता है। ठीक है, और फर्स्ट वाला क्या था, आर्थ्रोपोडा, जो मॉलिस्क होते हैं आर आइदर फ्री लिविंग और अ सेडेंट्री। ठीक है, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या तो फिर ये सेडेंट्री होंगे, यानी कि ऐसा नॉर्मली ऐसा मतलब बंधे हुए या फिर मिट्टी के अंदर घुस के ऐसा पानी के अंदर ऐसा छुप के रहते हैं। दे आर एक्वेटिक, यानी कि ऑब्वियसली ये पानी के अंदर ही होंगे। नेक्स्ट, और सीन इन अ मार्शी प्लेसेस, मार्शी मीन्स क्या होता है, जहां पे मतलब ऐसा पानी भी होगा लेकिन कुछ जैसा मिट्टी जैसा कुछ भी प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसे मार्शी प्लेसेस में होते हैं। फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल नहीं, कि मिट्टी में भी चल चल के चलते हैं, ऐसा मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एंड शो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल बट फ्यू आर असिमेट्रिकल ड्यू टू डॉर्सल्स ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग होती है, इसीलिए कुछ कुछ असिमेट्रिकल भी होते हैं, बट कुछ कुछ क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड,
फूट एंड विसरल मास। विसरल मास मतलब क्या, इनके अंदर की जो बॉडी के अंदर का जो प्रेजेंट होता है मास यानी कि वेट है, या फिर इनके अंदर का जो बॉडी वेट के साथ साथ जो भी इनका रियल वाला मसल्स होता है, तो इसके इसको भी हम लोग विसरल मास नॉर्मली रिफर करते हैं। और फूट और हेड भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो विसरल मास होता है इज इनक्लोज्ड इन अ थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल कॉल्ड मेंटल। देखो ये आपको बस याद रखना है, ये मेंटल इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो विसरल मास होता है इसी के थ्रू क्या करता है, कंसिस्टेंट होता है, विसरल मास इंक्लोज होता है थिक मस्कुलर फोल्ड से, ठीक है। जो मस्कुलर फोल्ड होता है यानी कि देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग के अंदर जो भी मस्कुलर यहाँ पे प्रेजेंट है यही फोल्डिंग के अंदर क्या होता है, मतलब मेंटल इसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से इंक्लोजिंग होता है। मेंटल सिक्रीट्स अ हैंड या फिर हार्ड कैल्सियरस शेल, जो हार्ड कैल्सियरस शेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और जो शेल होते हैं द सेल्स मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल और अब्सेंट, ये प्रेजेंट भी हो सकते हैं यानी कि इनर साइड भी हो सकता है या फिर ये अब्सेंट भी हो सकता है। मस्कुलर फूट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट होता है, फ्रंट साइड में मस्कुलर फूट जो होता है मतलब जो फूट है यानी कि पैर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और जो कि मस्कुलर होते हैं यानी कि मसल्स वाले फूट इनके होते हैं लेग्स यानी पैर। नेक्स्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स इज वेल डेवलप्ड, यानी कि जो इनके अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं, कंप्लीट विद एंटीरियर माउथ एंड पोस्टीरियर एनस। पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड इनके अंदर एनएस प्रेजेंट होता है, और एंटीरियर यानी कि सामने फ्रंट में माउथ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बकल कैविटी हैज अ रेस्पिंग ऑर्गन, बकल बकल यानी कि जो इनके अंदर माउथ वाली कैविटी होती है, जैसे हमारे पास ये बकल कैविटी है, हैज अ रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला, इनके अंदर एक अच्छा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये कुछ भी कर सकते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह, जिसको हम लोग रेडुला बोलते हैं। विच इज प्रोवाइडेड विद ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ, यानी कि ट्रांसवर्स रो यानी कि कुछ जो टीथ होती है कुछ ऐसा जैसे हमारे अंदर होती है वैसे ही कुछ ट्रांसवर्स रो, यानी कि जैसे आप लोगों ने किसी भी सपोज अगर आप कंगारू या फिर ऐसा गोट यानी कि जो बकरी होती है उसके अंदर का जब टीथ देखा होगा तो कैसा एक ऐसा कुछ ऐसा कुछ ज्यादा ही बड़ा ऐसा जॉ होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा टीथ होता है, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और हमारा कैसा होता है नॉर्मली ऐसा मतलब ऐसा हमारे टीथ होते हैं, ठीक है, चलो तो ये कैसा है, ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ होती है इनके अंदर। एक्वेटिक फॉर्म शोज न्यूमरस फेदर्स लाइक गिल्स कॉल्ड नीडिया, ऐसा हम लोग इसको बोलते हैं, ऐसा नीडिया इसको हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। देखो तो ये जो यहाँ पे दिया है गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है नॉर्मली एक्वेटिक जो बॉडीज होती है इनके अंदर, और यूजफुल फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन यानी कि जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इसको लेके ये लोग क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अब बोलो कि वाटर के अंदर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट होता है, तो वाटर का फॉर्मूला एच बॉन्ड ओ एच ऐसा एस टू ओ होता है जिसके अंदर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, तो इस ऑक्सीजन को ये लोग क्या करते हैं बाहर आउट निकाल लेते हैं, और उसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं सारे सारे यहाँ पे जो भी दिए हुए, ठीक है। तो पीलिया सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, या फिर ऑक्टोपस को भी याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। गिल्स जो होते हैं, गिल्स जिसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं, आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी, जो मेंटल कैविटी होती है उसी के अंदर गिल्स होते हैं जिसके अंदर विसरल मास क्या होता है इंक्लोज होता है। स्पेस बिटवीन विसरल मास एंड मेंटल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स मे बी शोज प्रेजेंस ऑफ लंग्स, देखो जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं जो भी मतलब एनिमल्स के वो क्या करते हैं मे शो प्रेजेंस ऑफ लंग्स, लंग्स को भी दिखाते हैं कभी कभी, लंग्स भी इनके अंदर होते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है तो लंग्स तो रहेगा ही, बट कौन से वाले के अंदर होगा, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि ऐसे मॉलिस्का वाले एनिमल्स जो जैसा लैंड के ऊपर चलते हैं उनके अंदर लंग्स भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है बस, ठीक है। चलो तो ये क्या था अभी फाइलम मॉलिस्का, तो इतने सारे हमने जो भी आज 7-8 फाइलम पढ़े तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले थे और ये हमेशा एग्जाम में यहाँ से आता भी है, ठीक है। तो आपको इतने सारे फाइलम्स के नाम वगैरह सब अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको इसका एग्जाम्पल बेस्ट वाला एक पीलिया है जो नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसी यहाँ पे डायग्राम ये वाला देख सकते हो, देखो ये वाला डायग्राम पीलिया का है, ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना, या फिर आप ऑक्टोपस अच्छे से जिसको हम लोग डेविल फिश भी बोलते हैं इसका नाम प्रॉपरली याद रखना, ये फाइलम मॉलिस्का के अंदर आता है। जो फाइलम मॉलिस्का होता है नॉर्मली सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है किंगडम एनिमिलिया का, इसके अंदर विसरल मास होता है, विसरल मास हमेशा मेंटल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये इसको इंक्लोज करता है, मेंटल के अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि वाटर के अंदर वाला रेस्पिरेशन ये मॉलिस्का परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, तो ये था पार्ट 2, अभी पार्ट 3 भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 खत्म हुआ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।